मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में सियासी भूचाल के बीच देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब बिहार में एक मांग उठ रही है, वो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। जी हाँ, बिहार में चल रहे सियासी संग्राम के बीच नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इसी बीच लोजपा नेता चिराग पासवान ने एक बड़ी मांग रख दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि आज नीतीश कुमार की साख शून्य है, हम चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और राज्य को नए सिरे से जनादेश देना चाहिए। यहाँ पर कहना है कि नीतीश कुमार को कोई भी विचारधारा है या नहीं, अगले चुनाव में जदयू को 0 सीटें मिलेंगी, ऐसा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग ने आगे कहा कि कैसे कोई ऐसे मुख्यमंत्री पर विश्वास रखेगा जो खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार को चुनाव में जाना चाहिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये जोर तोड़ की सरकार बनना सही नहीं है। आपकी कोई नीति विचारधारा सिद्धांत है या नहीं, ये सवाल चिराग पासवान अब नीतीश कुमार से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आज के बाद मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता शून्य है। जिस जंगल में राजा का विकल्प बनकर आए थे उसी के साथ सरकार बना ली। आगे चिराग पासवान कहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर शपथ लिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उसी बीजेपी के साथ 2017 में ये चले गए और अब बीजेपी को छोड़कर किस तरह से वो दूसरी पार्टियों के साथ अब गठबंधन बना रहे हैं। ऐसे में कोई इस मुख्यमंत्री पर कैसे विश्वास करे, ये सवाल चिराग पासवान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मांग यहां पर चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में की है, क्या वो मांग पूरी हो सकती है? जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की यहां पर बात चिराग पासवान ने की है, क्या इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी इसी तरह की मांग उठ सकती है और आगे चलकर नीतीश कुमार का जो ये बना बनाया खेल है क्या वो बिगड़ सकता है? आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।